हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट नंबर। तो 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग उसका यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट। 1s कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, आप चाहे तो उसको रिफर कर सकते हैं। आज हम लोग सीधा इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, इसमें दो केस होता है। इसमें क्या होता है कि एक तो होता है केस वन, मतलब कि सब अगर हम स्मॉलर नंबर को इस केस वन में हम डील करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर, बड़े नंबर में से छोटा नंबर हमें घटाना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि क्वेश्चन हमने लिया, सपोज कीजिए कि हमें दिया हुआ है 1 1 1 1 0 1, ये बाइनरी में दिया है। आपको मालूम है 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज होते हैं। इसमें से हमें माइनस करना है किसको, हमें माइनस करना है 1 0 1 0 1 1 को। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और इसको हमें करना है कैसे, यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट, इस मेथड से करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने ये नंबर लिखा 1 1 1 1 0 1। अब इस नंबर का हम क्या करेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो ये 1s कॉम्प्लीमेंट डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0, ये आ गया। इसको हम ऐड करेंगे इस नंबर में, ठीक। तो 1 प्लस 0 1 0 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 1, तो 1 1 आएगा कैरी 1, फिर 1 1 0 और कैरी 1, ये आया कैरी, ठीक। इस कैरी को हम क्या करेंगे, इसको हम वापस लाके यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक। जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 0, ये हो गया 1, और फिर 0 0 और फिर 0 1, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, दो नंबरों के सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अच्छा, ये आंसर सही है या नहीं, ये आप कैसे चेक करेंगे, तो देखिए आप क्या कीजिए, इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको कर लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो अगर हम 1 1 1 1 0 1 और डेसिमल में इजीली कन्वर्ट करने का तरीका, एक जो कन्वर्जन वाले वीडियो मैंने बताया वो तो बताया ही है, अदरवाइज एक सिंपल तरीका क्या, पोजिशनल वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए। तो 2 की पावर 0 1 हुआ, 2 4 8 16 32। अब इस जहाँ जहाँ वन है उसको ऐड कीजिए तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1। तो 32 और 8 कितना हो गया, 40, और 10 50, और 6 56, 56 और 4 60, और 1 61, ये आएगा 61 डेसिमल में। और ये दूसरा नंबर देखिए, 1 0 1 0 1 1, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 32 प्लस 8, कितना हो गया 40 और प्लस 2 42 और प्लस 1 43 हो गया, ठीक। अब इसको जरा माइनस कीजिए तो 11 में 3 गया 8 और 5 में 4 गया 1, यानी हमारा आंसर 18 आना चाहिए, ठीक। और ये जो आ रहा है इसको कन्वर्ट कीजिए, 1 0 0 1 0, इसको अगर हम फिर इसी फंडे से करें तो 1 2 4 8 16, तो ये कितना हो गया, ये 16 और प्लस ये 2 18, और 18 ही आना चाहिए था। इसका मतलब हमने जो 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड्स यूज करके निकाला है आंसर, वो भी सही है। तो किसी भी नंबर का, देखिए मैं इसको आपको रिपीट कर देता हूँ प्रोसीजर, ताकि आपको क्लियर रहे, किसी भी नंबर को आपको सब्ट्रैक्शन करना है छोटे नंबर को बड़े नंबर में से,
तो दिस माइनस दिस, आप क्या करेंगे, पहले इसका वन एस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। आपने ये लिखा वन एस कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, वन एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक। फिर इस नंबर को और इसके वन एस को आपने ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगर कैरी बचता है तो उस कैरी को लाके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल एक प्रोसीजर होता है वन एस कॉम्प्लीमेंट को यूज करके किन्हीं भी दो नंबरों के एडिशन का। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, मान लीजिए हम आपको इसमें बात करते हैं कि डेसिमल में दिया है 30-25, 30-25 आपको निकालना है यूजिंग वन एस कॉम्प्लीमेंट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई 30 का बाइनरी लिख लीजिए, 30 का क्या करेंगे, बाइनरी लिखेंगे। तो आप कन्वर्ट करके देखिएगा, मैंने मेथड सारा लेक्चर्स पढ़ाया हुआ है कन्वर्जन वाला। तो 30 का बाइनरी आ जाएगा 1110, ठीक। और 25 का क्या आ जाएगा, 11001, ये तो हो गया 25 का हो जाएगा 11001। अब इसको हमें माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका वन एस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो ऊपर 30 तो ऐसे लिख लीजिए 11110, इसका वन एस कितना आएगा, 00110, सॉरी। फिर इसको ऐड करिए, तो 0 हो गया, 110 कैरी वन, फिर 1111 कैरी वन, फिर 110 कैरी वन, फिर 110 कैरी वन, ये आया, ठीक। और इस कैरी को हम क्या करेंगे, वापस लाके यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 101 और अपना ये 00 ये आ ही रहा है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। और अगर आप इधर डेसिमल में भी करेंगे तो 30-25 क्या 5 आएगा, और 5 का बाइनरी क्या होता है, 101, तो देखिए वही आंसर आया। तो इस तरह किसी भी बाइनरी नंबर को आप वन एस कॉम्प्लीमेंट यूज करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये तो केस वन हुआ, अब आ जाइए केस टू पे। केस टू में क्या कह रहा है कि अगर आपको सबट्रैक्ट करना है बड़े नंबर को छोटे में से, सबट्रैक्शन ऑफ लार्जर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया क्वेश्चन 43-57, ये निकालना है हमको, और इसको माइनस करना है यूजिंग वन एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, इसको सिंपली आप ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले आप 57 का बाइनरी लिखिए तो कितना आएगा, 11110001। 43 का लिखेंगे डेसिमल में तो कितना आएगा, 101011, यह आएगा। और हमको करना क्या है, हमको करना ये ध्यान रखिएगा 43-57, यानी इसका हम ये हम इसका क्या करेंगे, 57 का वन एस कॉम्प्लीमेंट। तो पहले 43 आप लिख लीजिए, 101011 हुआ। अब 57 का पहले वन एस कॉम्प्लीमेंट लिखिए कितना आएगा, 00011010, इनको ऐड कीजिए, तो ये आया 1110, फिर 110, फिर 110, फिर आया 1 और ये 1। और यहाँ पे मेन चीज आपको क्या देखना है कि यहाँ पे कोई कैरी नहीं आ रही है, नो कैरी। तो नो कैरी की स्थिति में क्या होता है कि आंसर तो ये आ गया आपका, बट
जो आंसर आया है आंसर इज इन वन एस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, आंसर जो आपका आया है वो वन एस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इसका वन एस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और माइनस कर देंगे, साइन लगा देंगे, मतलब ये आ जाएगा 0 0 1 1 1 0, ठीक, और उसके साथ हम ये माइनस साइन लगा देंगे, ये आएगा आंसर। अच्छा ये क्यों आएगा आंसर, आप ये भी देख लीजिए, अगर हम सिंपल डेसिमल से 43 माइनस 57 करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 4 गया 1, माइनस का 14 आएगा, और यहाँ पे आप देखिए ये 1 1 1 0, ये किसका बाइनरी इक्विवेलेंट है, 14 का, तो यहाँ पे भी आपका माइनस 14 ही आ रहा है, इसका मतलब हमारा मेथड सही है। तो मेन इसमें जो चीज़ है ध्यान रखने वाली वो यही है कि जब यहाँ पे कोई कैरी नहीं बचेगा, जब यहाँ पे नो कैरी की सिचुएशन आएगी तो जो आंसर आ रहा है वो सही है, लेकिन क्या है, वन एस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो आप क्या करेंगे, इसका आप वन एस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और निगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी बाइनरी नंबर का आप वन एस कॉम्प्लीमेंट यूज करके दो नंबरों का सब्ट्रैक्शन आप निकाल सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, उसमें जो है चाहे वो छोटे नंबर हो चाहे बड़े नंबर हो, कोई नंबर हो, आप उसको आराम से कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने 1s का यूज़ किया है, ऐसे ही हम लोग 2s कॉम्प्लीमेंट का भी यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने में, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, कि हाउ सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत हो जाए। थैंक यू।